और बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे जो दुनिया में इस वक्त छाई हुई है। इस वॉर से अलग यूरोप में एक बड़ी टेंशन जो फ्रांस में दिख रही है वो है विद्रोह की। विद्रोह बहुत दिनों से फ्रांस की सड़कों पर दिख रहा है। जल्दी से इससे जुड़ी खबरें देखिए। फ्रांस में जारी है प्रोटेस्ट की परेशान करने वाली तस्वीरें आना। महिलाओं और बुजुर्गों को घसीट कर मार रही है पुलिस। ये पेरिस की तस्वीरें देखिए आप। सड़क पर महिला को पुलिस वाले ने बेरहमी से मारा। एक बुजुर्ग को भी निर्दयता से घसीटते दिखी पुलिस। फ्रांस में पेंशन बिल को लेकर लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन जारी है। देखिए कैसे पुलिस वाले एक बुजुर्ग को घसीटते हुए ले जा रहे हैं, कैसे एक महिला को उसके सिर पर हिट किया, उसके चेहरे पर हिट किया पुलिस वाले ने, और कैसे वो महिला गिर पड़ी वो आप इन तस्वीरों में देखिए। देखिए कैसे एक महिला को यहां पर ऐसे गिरा दिया विरोध कर रहे एक महिला को पुलिस वाले ने अपनी शील्ड से। एक और बड़ी खबर है, मैक्रों के खिलाफ मुश्किलें थम नहीं रही है। पूरे स्टेडियम में मैक्रों इस्तीफा दो के नारे गूंजे। वहां पर 80,000 फ्रेंच फैंस से भरे स्टेडियम में मैक्रों इस्तीफा दो के नारे गूंजते दिखाई दिए। ये पेरिस की तस्वीरें हैं जहां एक मैच के दौरान मैक्रों इस्तीफा दो इसका नारा गूंजा। पेरिस में फुटबॉल मैच के दौरान मैक्रों का विरोध दिखा। नए रिटायरमेंट बिल का फ्रांस में लगातार विरोध हो रहा है। मैक्रों के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आया, हालांकि उसमें वो जीत गए, लेकिन इसके बावजूद यहां पर उनका विरोध नहीं थम रहा है सड़क पर। फ्रांस में पुलिस प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प हुई है। अब ये देखिए, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस के सामने ही जल गई पुलिस की कई गाड़ियां। ये प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों का हाल किया है। तो दोनों तरफ से लगातार हिंसा हो रही है, और देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी और ये पुलिस की गाड़ियां धू धू कर जल गईं। ये फ्रांस की तस्वीरें हैं। एक और खबर है, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में आमने सामने की झड़प वहां पर नजर आई। चंद पुलिस वालों के सामने हजारों प्रदर्शनकारी नजर आए। अपने साथ छाता, शील, डंडे ये सब लेकर पहुंच रहे हैं प्रदर्शनकारी, यानी पूरी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। पुलिस के किसी भी एक्शन को नाकाम करने की तैयारी के साथ आ रहे हैं। ये आपको फ्रांस की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच एक और खबर दिखाता हूं मैं आपको, फ्रांस से ही है। फ्रांस से हमले का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर फायरिंग की गई है। प्रोटेस्टर्स की तरफ से पुलिस पर फायरिंग की गई है। पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने फ्लेम्स और स्मोक बम का भी इस्तेमाल किया है। प्रदर्शन के दौरान पूरा इलाका जंग का मैदान बन गया। ये उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम आपको। आइए एक और खबर देखिए, कुछ और बड़ी तस्वीरों के साथ। प्रदर्शनकारियों के सामने पुलिस के पसीने छूट गए। प्रदर्शनकारियों के सामने स्पेशल बाइक से पहुंची पुलिस। लोगों ने पुलिस वालों पर पत्थर फेंके। देखिए ये कैसे एक स्पेशल बाइक का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों को यहां तितर बितर करने के लिए। पुलिस वालों पर पत्थर फेंके हैं प्रदर्शनकारियों ने। ये फ्रांस की तस्वीरें जहां पर कैसे प्रोटेस्टर्स को लगातार काबू करने की कोशिश की जा रही है। और फ्रांस से प्रदर्शन का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। बीच सड़क पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भीषण जंग हो रही है। विरोध कर रहे लोगों में किस तरह से पुलिस के साथ वहां पर हाथापाई हुई, ये देखिए। एक प्रदर्शनकारियों पर डंडे बरसाते दिख रही है पुलिस। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर डंडे बरसाए हैं। सड़क पर आग, धुआं और दोनों तरफ से जमकर मारपीट की जा रही है।